हेलो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे कैनन 3225, 3245 और 3300 में आईडी कार्ड की सेटिंग की जाती है। जब सबसे पहले आप पावर ऑन करेंगे तो आपको ये डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आएगी। इसको रीसेट करेंगे, स्पेशल फीचर में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद इमेज कॉम्बिनेशन, इसके बाद आपको A4R जो सेकंड पॉइंट पे है उसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, 2-on-1 सिलेक्ट करना है जैसे इसमें हुआ हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये ट्रे कौन सी है आपकी उसमें से सिलेक्ट करना है। A4 पे हमको प्रिंट करना है इसलिए A4 सिलेक्ट करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, डन करेंगे। इसके बाद आपको ये कॉपी रेशो पे क्लिक किया नज़र आएगा, इसको आपने डायरेक्ट करना है। और ये आप जो लाइटनेस देख रहे हैं, डार्कनेस और लाइट ब्राइटनेस देख रहे हैं, आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं जैसा कि आप चाहें। इसको यहाँ पे 2 नंबर पे ब्राइट किया है और दोबारा हम स्पेशल फीचर पे क्लिक कर लेंगे। अब हम मेमोरी मोड में जाएंगे ताकि हम इसको मेमोरी को कोई नाम दे सकें। मेमोरी मोड पर क्लिक कीजिए, जैसे कि आईडी कार्ड, ये मैंने पहले ही इसकी सेटिंग की हुई है। यहाँ पे M1 था, M1 बटन है तो इसमें शो कर रहा है इमेज कॉम्बिनेशन, सेंटर में शिफ्ट A4 साइज़ पेपर राउंड साइड में आ रहा है और इसकी ब्राइटनेस शो कर रहा है। आप इसको यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं अगर कोई चाहें तो, कुछ भी दे सकते हैं, ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर करेंगे इसको। ये आपसे पूछेगा कि इसको रजिस्टर करना है, यस करना है तो यस, नो करना है तो नो, यस कीजिए, ये सेव हो गई है सेटिंग आपकी। उसके बाद ओके क्लिक कीजिए, डन कीजिए। इसके बाद आपको एडिशनल फंक्शन में जाना है, कॉपी स्कैन सेटिंग, ये सेकंड पॉइंट पे है, स्टैंडर्ड की 1 सेटिंग फॉर रेगुलर स्क्रीन, इस पे M1 जो आपकी, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसा कि आप जो चाहते हैं। हमने यहाँ पे मेमोरी मोड सेलेक्ट किया हुआ है पहले से, ये देखिए, तो M1 क्लिक किया, ओके डन डन। इसको आप रीसेट करेंगे और आईडी कार्ड जैसे कि ये पॉइंट है क्लिक करेंगे, आपकी सेटिंग देख लीजिए कि वहीं पे आ गया 2 पॉइंट पे, रीसेट करेंगे, ये कलर भी चेंज हो जाएगा इसके साथ, सेटिंग के साथ, ये डिफ़ॉल्ट मोड है। इसके बाद आप आईडी पे क्लिक करेंगे, ये वैसा ही आ जाएगा। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि मेरे पास एक आईडी है दोनों तरफ, इसको आपको इधर सेंटर पे रखना है, आप यहाँ देख सकते हैं A5 पेज लिखा हुआ है, आपको इसके बीच में रखना है, ये A5 और इसके बीच में यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसके बाद आपको डाउन करना है, आईडी पे क्लिक करना है, सेटिंग अपने आप हो जाएगी, स्कैन करना है, ये 2 बार स्कैन करना पड़ेगा आपको, दोबारा आईडी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको उठाएंगे, जैसा कि आपने यहाँ देखा है, इसको पलट के रख देना है, यहाँ से स्कैन करेंगे, आप देख सकते हैं 1 sheet 2 side कॉपी, डन करेंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी आपको कॉपी बनानी है, 11 कॉपी आ जाएंगी। अगर गलती से क्लिक हो गया तो आप सी से इसको माइनस कर सकते हैं, 1 copy क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से डार्क और ब्राइट कर सकते हैं, डन कर दीजिए। आप देखेंगे एक पेज आया है, इसके ये दोनों सेंटर में है, ये फ्रंट पेज है, ये बैक साइड है। इस प्रकार से आप रीसेट करके आपको डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।